नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब्दुल रोजी खान को यह पता है कि बिग बॉस सीजन 16 का विनर कौन बनेगा? जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब्दुल रोजी खान इस वक्त बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके हैं। ऐसे में अब कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब्दुल रोजी खान को यह पता है कि इस सीजन का विनर कौन बनेगा। ऐसे में अब्दुल रोजी खान ने विनर का नाम सोशल मीडिया में आकर ले लिया है। कौन से हैं वो कंटेस्टेंट? क्या अब्दू ने सोशल मीडिया में आकर सुंबुल टोकिर खान का नाम लिया है, प्रियंका का नाम लिया है, एमसी स्टैन का? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए बात करते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि अब्दुल रोजी खान का अब बिग बॉस के घर से एलिमिनेशन हो चुका है। बिग बॉस ने साफ साफ कहा था 16 सीजन्स में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब एक कंटेस्टेंट को इस तरह से घर से बेघर किया जा रहा है। जी हां, अब्दुल रोजी खान इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट जिनको घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स भी प्यार कर रहे थे। ऐसा इससे पहले काफी कम देखने को मिला है जब घर के अंदर के ही कंटेस्टेंट्स किसी अपने कंटेस्टेंट को इतना ज्यादा प्यार करें। जैसे ही अब्दुल रोजी खान घर से बेघर हुए हैं, शिव ठाकरे तो काफी ज्यादा रोते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब आपको बता देता हूं कि विनर को लेकर अब्दुल रोजी खान ने एक बड़ी बात कह दी है। खबरों की माने तो घर के बाहर आते ही अब्दुल रोजी खान का जो इंटरव्यू हुआ है उसमें सबसे पहली बात अब्दुल रोजी खान ने सीधा सीधा विनर को लेकर कह डाली है। और अब्दुल रोजी ने दो कंटेस्टेंट को कह डाला है कि इन दोनों में से ही कोई एक विनर होगा, जिसमें पहला नाम अब्दुल ने एमसी स्टैन का लिया है। जी हां, अब्दुल रोजी का कहना है कि मैं ये चाहता हूं कि एमसी स्टैन तो विनर बने, लेकिन साथ ही साथ शिव ठाकरे का नाम भी उन्होंने लिया है। अब्दू ने कहा कि इन दोनों में से कोई एक विनर बना तो मुझे काफी खुशी होगी, क्योंकि ये दोनों ही घर के अंदर मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अब्दू ने अपने इंटरव्यू में निमृत का नाम तक नहीं लिया। जी हां, यहां तक कि अब्दू ने जब निमृत को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने निमृत को लेकर उस तरह का जवाब नहीं दिया जिस तरह का हर कोई सोचता था कि अब्दू घर के बाहर आके निमृत के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे में विनर को लेकर जो अब्दू ने बात कही है उसको लेकर अब सोशल मीडिया में काफी ज्यादा बातें होना शुरू हो गई, क्योंकि अब्दू ने कहा है कि शिव ठाकरे या फिर एमसी स्टैन, इन दोनों में से ही कोई एक बिग बॉस सीजन 16 का विनर बन सकता है, क्योंकि इन दोनों की गेम काफी अच्छी लगी है मुझे घर के अंदर। खबरों की माने तो सोशल मीडिया पर वैसे भी विनर का जब भी बात आती है तो शिव ठाकरे और प्रियंका चहर चौधरी का ही नाम आता है। इन दोनों में से ही कोई विनर बनेगा, ऐसी बातें सामने आती हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अब्दू ने जो विनर बनने के लिए दो नाम दिए, एमसी स्टैन और शिव ठाकरे, तो क्या इन दोनों में से कोई एक विनर बनता है या फिर प्रियंका चहर चौधरी ही बिग बॉस की विनर बनेगी, जो कि हर किसी को लगता है। आपको क्या लगता है?